तो गाइस अपन आ चुके अपनी चौथी लोकेशन भोला गुरु एंड सन्स पे। 1924 से दुकान है, यहाँ पर मिलती है पूरी सब्जी, यहाँ पर बहुत अच्छी मिलती है जो कि मैंने सुना। अपन चलते हैं भैया के पास और भैया के पास चल के बात कर लेते हैं कब से दुकान जो है, क्या शॉप पर टाइमिंग वगैरह। क्या नाम है आपका? सोनू पांडे। तो भैया आपने जो शॉप है, जैसे कि 1924 से है, तो जब से आपके यहाँ पूरी सब्जी मिल रही है? जी हाँ, पूरी सब्जी के लिए जाने जाते हैं हम लोग। जी, पूरी सब्जी के अलावा और क्या क्या मिलता है भैया अपना? पूरी सब्जी के अलावा देसी घी से निर्मित जो मिठाइयाँ हैं जी, वो हमारी स्पेशलिटी है। और शॉप का टाइमिंग क्या है भैया? पूरी सब्जी सुबह 9:30-9:30 बजे के आसपास स्टार्ट हो जाता है जी, दिन पर चालू रहता है, रात 10 बजे तक स्टार्ट। ठीक है, तो भैया हमारे लिए एक प्लेट लगवा दीजिए। जी आइए। जो थाली आ चुकी है, बता देता हूँ, एक थाली में आपको ये 100 रुपये की एक थाली है जिसमें आपको मिलती है 5 पौड़ी। अपन ने तीन ही भैया से बोल के रखवाई है, ठीक है? हाँ, अपना पेट भरा हुआ है। साथ में भैया ने जो सर्व किया है, आई जो बताओ रायता है, ये एक गिलकी की सब्जी है, ये आलू की सब्जी है, और ये बेसन वाली मिर्ची है, और ये आ गया अपना मक्खन बड़ा, ठीक है? ये जो कि फेमस है, और ये थाली फेमस है आयुष भाई। तो अपन जो इसको टेस्ट करके बताते हैं कैसा क्या स्वाद है। और सबसे खासियत बताऊँ आयुष भाई आपको बताना चाहूँगा कि जो भैया जो सब्जी मिलाते हैं ना, इसमें जो है लहसुन प्याज नहीं मिलाते, जो लहसुन हर एक इंसान खा सकता है इसको। बिल्कुल, तो लहसुन प्याज भैया नहीं मिलाते। अपन इसको स्वाद करके बताते हैं कैसा क्या स्वाद है, बताते कैसा क्या स्वाद है इसका, ठीक है? सबसे पहले आलू वाली जो लहसुन आलू वाली सब्जी है ना, उससे आपको स्वाद करके बता रहा हूँ कैसा क्या स्वाद है। काफ़ी बढ़िया स्वाद है। और सबसे बताऊँ, ये जो बना है ना पूरा खाना, ये तेल में नहीं बना, ये घी में बना। जैसे आप अगर एक बाइट लोगे ना, आपको मुँह में घी का स्वाद आएगा, परफेक्ट स्वाद है। सब्जी का जो ना ज़्यादा स्पाइसी है, ना ज़्यादा नमक ज़्यादा, ना कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। पूरा जो मुँह में डालते ना घी का स्वाद आया, ठीक है? अरे मिर्ची वाली जो सब्जी, इससे आपको ट्राई कर रखा, मिर्ची वाला बेसन, मिर्ची वाला बेसन, A1 ओपी स्वाद आ गए, मजे मजे आ गए भाई। मैंने अपना उज्जैन आना सफल हो रहा है, सफल हो गया है। परफेक्ट स्वाद है, ठीक है? इसको भी थोड़ा टेस्ट करके बताइए तुम। इसमें भी पूरा बिलेवन पे हमारे घी का फ्लेवर इसमें भी आ रहा है। ओवरऑल रेटिंग की बात करो, 5 out of 5 रेटिंग दो। सकते हैं कि भैया की जो शॉप है उसको FSSAI ने भी जो वेरीफाइड करके दिया है, जो अपने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी जो भैया को वेरीफाइड करके दिया है। आप ये जो बारकोड से स्कैन करके जो भैया को जो है रेटिंग भी कर सकते हैं इनकी शॉप की। जब भी आप आएँ इस बारकोड से स्कैन करो, और अगर आपको जो टेस्ट अच्छा लगा है तो आप जो है इसको रेटिंग कर सकते हैं। तो गाइस अपन आ चुके अपने नेक्स्ट लोकेशन पर, जो कि कोठी रोड पर है, जय माता दी पानीपता से सेंटर। तो यहाँ पर जो है ना जो पानी मिलता है ना, इस पर अलग तरीके का पानी मिलता है। अंकल आप पानी बता दीजिए एक बार अपने व्यूअर्स को। तो गाइस देखिए, लाल पानी में यहाँ पानी बता से मिलते हैं, तो अपन अंकल से बात कर लेते हैं, ठीक है? नमस्कार अंकल, क्या नाम है आपका? चंदन सिंह परियात। तो अंकल आप कितने समय से दुकान लगा रहे हैं? ये 93 से लगा रहा हूँ। 93 से आप यहाँ पर शॉप लगा रहे हैं। शॉप का टाइमिंग क्या अंकल अपना? शाम को 6 बजे से। तो कभी ऑफ भी रहता है या डेली लगती है? नहीं, लगभग डेली लगती है। तो अंकल लाल पानी का क्या है? लाल मिर्ची से बनता है, आपके मसाले कुछ है उससे बनता है? हाँ, ये लाल मिर्ची खड़ी जो गुंटूर आंध्र प्रदेश के फेमस है जी, गुंटूर के नाम से जी, ये इसको हाथ से पीसते हैं घर पर। अच्छा, इसको हाथ से मसाला तैयार करके फिर बनाते हैं पानी जी। तो उसका पानी है? हाँ, RO वाटर से बनाते हैं जी, RO वाटर से पानी बनाते हैं। ठीक है अंकल, तो हमें एक प्लेट खिला दीजिए अंकल। आयुष भाई जी, एक फिर चैलेंज आ गया मेरे लिए, क्योंकि अपन ने 440 वोल्ट का झटका ले लिया है, ठीक है? गब्बर भी आगे बतासे खा लिया, और अब आए हैं ये लाल पानी के बतासे। तो क्या लगता, पास होंगे फेल होंगे? अच्छा, तो देखना पड़ेगा कि अंकल की मिर्ची की कैसी है। इंदौर में बहुत लोग तीखा खाते हैं, और जितनी भी अभी तक मैंने यहाँ पे जो चीज़ें ट्राई करी है ना, वो मेरे को इतनी स्पाइसी नहीं लगी इंदौर के मुकाबले, क्योंकि इंदौर में बहुत स्पाइसी खाते हैं लोग। क्योंकि जैसा बताया था आलू बड़े का भी बताया था कि वो स्पाइसी है, तो मगर ऐसा है कि तुमको पता है कि जब मैं तीखा खा लेता हूँ तो मैं सीधे रो देता हूँ। बट अभी तक मेरे को यहाँ की एक भी चीज़ों में ऐसा नहीं लगा कि मैं रोया हूँ। तो वही आयुष भाई, अब मैं भी देखना चाहूँगा कि जो अंकल के पता से क्लीन बोल्ड होते हो ये क्या होते हो। पानी पूरी मतलब मैं सो ही जाऊँगा। चलो ठीक है, ट्राई करता आयुष भाई। अभिषेक भैया, अभी अंकल ने बोला है, बोले कि एक बार आप जो आखिरी शब्द आपके बोलने हैं आप बोल लो, उसके बाद में आप बोल नहीं पाओगे। पहले अपन देख लेते हैं ना, क्योंकि
एक स्पेशल भी मिलती है, फिलहाल वो बंद कर रखी है। अच्छा हाँ, वो बहुत ज़्यादा वो हो जाती है। हमारे अंकल इंदौर में भी एक मिलती है हंटर पानीपुरी के नाम से, उसको खा लो तो फिर मतलब बोलती बंद, सारा सिट्टी पिट्टी खुली हो जाती है। और एक 12 नंबर का हमारे गब्बर भैया का 12 नंबर, हाँ 12 नंबर भी मिलता है। ये मैंने यहाँ दिख रखा वो स्पेशल बंद है, वाइट में कम दिख रही है। 10 रुपए की पताशी मसाले की पपड़ी। अच्छा, वो एक पताशा 10 रुपए का बनता होगा आपको, वो स्पेशल बनती है। नहीं, बनाना चाहते बिल्कुल मेरे लिए बना सकते। गाइस आ चुका है पताशा, ये तो फूट गया। भाई वाली देना, पताशा फूट गया। हाँ वापस ले लो अच्छे से। नहीं लगा अभी नहीं लगा। पानी देख के मुझे डर लग रहा है अभिषेक भैया, मैं खा पाऊंगा कि नहीं खा पाऊंगा। अब लगा चरका, दो पदार्थ खाने के बाद चरका लगा तुमको। अब लग रहा है कुछ चरका खा। जो अंकल ने बोला था ना कि बोल नहीं पाओ, बोल नहीं पाओ, ठीक है। मतलब मैं डेफिनेटली नहीं बोल पाऊंगा ना अभिषेक भाई, आप तो एक पदार्थ में नहीं बोल पाओगे। आप एक पदार्थ में नहीं बोल पाओगे आगे, ठीक है। अब खाओ आप। चलो भैया इनकी हो गई है बोलती बंद, और इनको आने लग गया पसीना। हमारे अभिषेक भाई इंदौर वाले यहाँ उज्जैन में आके हार गए हैं, क्योंकि इनको इतना स्पाइसी भाई हमने खिलाया, इतना एक्सट्रीम लेवल तक लेगा इनको खिलाने में। अंकल ने स्पेशल वाला दे दिया, अब ऐसा लग रहा है ना, अब स्पेशल वाला दे दिया अंकल ने। अभिषेक भाई कैमरे पे मुंह रखना है आपको, इस पानी को पी लो, पानी को पी लो। ठीक है डन। अब तो कैसे बना चुके अपने जो अगली लोकेशन पर, जो कि फेमस कुल्फी की दुकान है, जहाँ पर आपको मिलेगी काफ़ी वैरायटी में कुल्फी मिलेगी। तो अपन चलते हैं भैया के पास, भैया के पास चल के जान लेते कौन कौन सी कुल्फी की वैरायटी है। भैया क्या नाम है आपका? सतीश मेहरा नाम है मेरा सर। तो भैया कितने समय पुरानी दुकान है अपनी? ये करीबन 21 साल हो गए यहाँ पर, इसके पहले गोपाल मंदिर में है दुकान हमारी जी, उसको 50 साल से ऊपर हो गए। यानी जो आपकी जो सबसे पुरानी शॉप है गोपाल मंदिर में। तो अपने पास यहाँ पर क्या क्या वैरायटी में मिल जाती कुल्फियाँ? कुल्फी मिलेगी एक केसर पिस्ता कुल्फी जी, एक केसर पिस्ता कुल्फी आएगी जी, ठीक है। और एक आएगी ये वाली रबड़ी वाली, ये रबड़ी कुल्फी आएगी जी। एक आएगी ये सीताफल जी। और एक ये आएगी मैंगो कुल्फी, ये मैंगो कुल्फी आएगी जी। तो जो ये अपनी कुल्फी बनती है जो ऐसे एसेस डाल के बनती है या इसमें कोई एसेंस नहीं है जो फ्लेवर वगैरह, इसमें केसर पिस्ता काजू जी ये डाला जाता है। नहीं जैसे सीताफल हुई या मैंगो हुई, सीताफल ओरिजिनल डाला जाता अच्छा, है ओरिजिनल पल्प से बनी हुई है ये। और रबड़ी में प्लेन रबड़ी, सादी रबड़ी जी बना के तैयार कुल्फी बनी जाती है। तो कुल्फी के अलावा और कुछ वैरायटी अपने पास मिलती है? हाँ मिलती है ना सर जी जी। ये देखिए आप, एक बादाम शेक है जी, ये रबड़ी और बादाम से बनाया गया है, ठीक है। इसमें कोई आरारोट वगैरह नहीं है जी, प्योर फरियाली आइटम है सारे हमारे। दही की लस्सी है सर जी, केसर डला है इसमें, इलायची डली है। उसके बाद में आ जाते हैं आप, ये रबड़ी है लिक्विड रबड़ी, लिक्विड रबड़ी हाँ, ये लच्छेदार रबड़ी ये बनाई जाती है हमारे यहाँ जी। उसके बाद में आप आ जाइए, श्रीखंड है सर, ये चक्के से बना हुआ है जी, इसमें केसर बादाम पिस्ता डलता है। ओके, एक बार अपने व्यूवर्स का शॉप का टाइमिंग बता दीजिए, अपनी शॉप का टाइमिंग क्या है? शॉप का टाइम है सर सवेरे 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। रात के 11 तक कभी ऑफ भी रहता है या सातों दिन? नहीं, सातों दिन खुला है, सातों दिन खुले रहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सीताफल कुल्फी और केसर कुल्फी, तो मैं पहले आपको सीताफल कुल्फी का टेस्ट करके बताता हूँ केसर का स्वाद है। जैसा कि अंकल ने बताया था ना कि इसमें जो सीताफल का पल्प डाल दें, बिल्कुल वही फ्लेवर आ रहा है जिसे खाया था अपन को, ये नहीं लगा अपना एसेस्ट वाली कुल्फी कारण,
बिल्कुल यही लग रहा है कि अपन सीताफल खा रहे हैं, पूरा वैसा ही स्वाद आ रहा है। अब मैं आपको जो केसर, जो केसर कुल्फी है वो ट्राई करके बताता हूँ कैसा क्या स्वाद है। परफेक्ट केसर का स्वाद तो आया ही सर, और भैया ने इसे पिस्ता मिला, पिस्ता का भी पीस आया। और अगर आपको प्राइस की बात करूँ तो जो सीताफल कुल्फी है वो 28 रुपए की है, और जो केसर पिस्ता कुल्फी है वो 30 रुपए की है। और दोनों की रेटिंग की बात करूँ तो मैं 5 में से 5 इसको रेटिंग दूंगा। भैया की 5 शॉप है पूरे उज्जैन में, अगर आप उज्जैन आ रहे हो तो कोई भी शॉप पर आप जाइएगा, ट्राई करिएगा, आपको एक ही स्वाद मिलेगा। जो है यहाँ के उज्जैन के फूड ट्राई कर लिए, काफ़ी अच्छा स्वाद था। और फिर उसके बाद तो इतने फूड ट्राई करने सोडा पीने में बनता था, तब अपन ले रहे हैं अंकल से बनवा रहे हैं सोडा, और उसको पी के अपन इस ब्लॉग पे एंड कर देते। और भाई अंकल की दुकान बता दो, ये जो घंटा घर है उसके पास में अंकल जो यहाँ पर डेरा लगा, घंटा घर टावर चौक पे अंकल जो है दुकान लगा था, आपको दिख जाएगा। अंकल एक बार शॉप पर टाइमिंग बता दो, कितनी बजे लगा दो? 12:30 बजे से रात को 11 बजे से रात को 10 बजे तक, 10-11 तक। और क्या प्राइस है सोडे का? 15 रुपए तक। ठीक है अंकल, फटाफट से लगा दीजिए, क्योंकि अपना तो अपना फाइनली जो उज्जैन टूर है कंप्लीट हो गया। लास्ट में अपन ने जो अंकल का सोडा पिया था, अपना उज्जैन टूर कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी अच्छा फूड था, स्पाइसी थोड़ा कम था, क्योंकि अपन स्पाइसी के लिए आए तो स्पाइसी थोड़ा कम था। और अगर मुझे उज्जैन टूर मुझे सबसे अच्छा लगा तो जो अपने यादव जी की जो अपन ने रबड़ी खाई थी ना, जो गर्मा गर्म रबड़ी खाई थी वो काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी औसम था। सेकंड पे अपने जो फेमस कुल्फी वाले भैया ये रहेंगे, और बाकी जो है सब फिर तीसरे नंबर पर मैं सबको रखूँगा, ये नहीं कि अलग अलग रेटिंग दूँ, बाकी फिर सब तीसरे नंबर पर रहे। काफ़ी अच्छा साथ था और काफ़ी प्रेम मिला उज्जैन वालों से, इतने पास के पास भी हम गए, अच्छे से रिस्पॉन्स करा और अच्छे से अपने को जो है मान सम्मान किया, सादर सत्कार किया, और काफ़ी अच्छे से जो है फूड अपन को ट्राई करा। आयुष भाई आप कुछ बोलेंगे? बस भाई यही चाहता हूँ मैं कि आप लोग सपोर्ट करो और अच्छी से अच्छी वीडियो हम लोग आप लोगों तक पहुँचाएंगे। और ये जो उज्जैन ट्रिप है ये ख़त्म हो गई है यहाँ पर, अब इसके बाद में किसी और जगह पर और किसी और शहर में हम लोग आप लोगों से आकर मिलेंगे। तब तक के लिए, तो जब तक के लिए अगर आप आपके शहर में हमें बुलाना चाहते हैं तो अपने कहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, वहाँ का फूड हमें बता दें, हम वहाँ पर आके ट्राई कर लेंगे। इसी के बाद इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो के इस वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा। मिलते किसी अलग अगले ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी आराम।